डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज यानी विभेदी अनुदेशन क्या है फर्स्ट ऑप्शन है यूजिंग अ वेराइटी ऑफ ग्रुपिंग्स टू मीट स्टूडेंट नीड्स मतलब आप छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं या फिर बी ऑप्शन डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हर बच्चे के लिए कुछ अलग करना चालीस बच्चे हैं तो चालीस चीजें अलग अलग करेंगे या फिर सी ऑप्शन डिसऑर्डरली और अनडिसिप्लिन स्टूडेंट एक्टिविटी मतलब बच्चों को आप डिस मतलब में कुछ ना कराएं या फिर यूजिंग ग्रुप्स दैट नेवर चेंज एकदम फिक्स ग्रुप बना दिया यही चार बच्चे रहेंगे जीवन पर्यंत बताइए एक बार कहा इंतजार कराती हूं यार तीन चार मिनट में क्लास आपकी डेली स्टार्ट हो जाती अगर 9 .30 है अगर नाइन थर्टी लगाया तो नाइन थर्टी फाइव तक शुरू हो जाती है इतना टाइम तो उसको करने में लग जाता है बताइए एक बार सपने में आई थी बहुत बड़े अंजलि सिंह आंसर क्या होगा आंसर कीजिए नेक्स्ट आंसर आ रहे हैं आप लोगों के ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा डिफरेंशियड इंस्ट्रक्शन का मतलब है यूजिंग अ ऑफ ग्रुपिंग्स टू मीट स्टूडेंट्स नीड हर बच्चे के लिए आप अलग नहीं कर सकते डूइंग समथिंग डिफरेंट की बात नहीं है आपको कुछ अलग नहीं करके दिखाना बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके अपनाने हैं यानी यूजिंग अ वेराइटी ऑफ ग्रुपिंग्स टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स भाई ऐसा तो हो सकता है ना कि चार तरीके के बच्चे हैं तो आप चार ग्रुप्स में उनको विभाजित कर सकते हैं या चार तरह की नीड्स को आप टैकल कर सकते हैं अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं ताकि जो स्लो लर्नर है उसको भी समझ आ जाए जिसको जल्दी से आ जाता है उसके लिए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हो मतलब इस तरीके की चीजें आपने मिलाई हुई है कि बच्चों के लिए उनकी इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करने वाला प्लान आपके पास है उसी को हम डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं और स्पेशल एजुकेशन में बहुत हम इसको यूज करते हैं ठीक है बात तो ये एक सिंपल सी बात है थैंक यू स्टडी विद पवन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू चिल्ड्रन डैश फास्टर व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन दी एक्टिविटीज दैट सीम टू बी डैश मतलब बच्चे तेजी से गतिविधियों में शामिल होते हैं जो कुछ भी नहीं मतलब खुद पढ़िए और जवाब दीजिए मेंटोस खाएं और खुद जान जाएं पहला ऑप्शन है फॉरगेट यूजफुल इन क्लासरूम क्या चिल्ड्रन फॉरगेट फास्टर या फिर रिकॉल फास्टर या फिर मेमोराइज फास्टर या फिर लर्न फास्टर ये तो आप बिल्कुल सिंपल समझ जाएंगे देख करके ही ना तो हम याद करने की चलो इसको एक बार को आपको चेक करना पड़ सकता है अदरवाइज रिकॉल मेमोराइज इन सबसे अच्छा क्या है लर्न करना और यूजफुल हो लर्निंग रियल लाइफ में सिंपल है इसमें तो कुछ है ही नहीं पेडागोजी का फंडा लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे ठीक है आकाश सिंह कहां से करू अगर कंप्लीट बैच देख रहे हो तो उधर करियर विल पर भी अवेलेबल है चल रहा है बैच इसके अलावा मैं तो यहां पर सारी थियोरी पढ़ी हुई हैं और प्रैक्टिस में करा दूंगी पेपर आने से पहले है ना देखिए एक बार चिल्ड्रन डैश फास्टर फटाफट से आंसर करो चिल्ड्रन लर्न फास्टर वेन दे आर इन्वॉल्व इन दी एक्टिविटीज दैट सीम टू बी यूजफुल इन रियल लाइफ बच्चे तेजी से सीखते हैं अधिकम लिख लीजिएगा यहां बच्चे तेजी से अधिकम करते हैं उनकी स्पीड तेज हो जाती है यदि आप लर्निंग को आउटसाइड लाइफ या रियल लाइफ से कनेक्ट कर दें तो डी ऑप्शन एनसीएफ भी यही कहता है भूलते नहीं है वो जल्दी जो लर्निंग क्लासरूम में यूजफुल होगी उसको भूलेंगे कैसे जो रियल लाइफ से अगर आपकी जिंदगी से कोई चीज कनेक्ट करके एग्जाम्पल दे दिया जाए आप भूल नहीं सकते हैं है ना मेरे एग्जाम्पल्स तो वैसे भी नहीं भूले जाते आप लोगों से चलिए फिर क्वेश्चन नंबर थ्री सोशलाइजेशन इसको कहते हैं नार्सिसिज्म की पराकाष्ठा ऐसे अपनी तारीफ स्वयं कर लेना है ना सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चरल ट्रांसमिशन एंड जो सामाजिकरण है उसमें एक चीज इंक्लूड होती है यानी संस्कृति का ट्रांसमिटन ट्रांसमिशन यानी संस्कृति संचरण संस्कृति जो आपकी चली आ रही है वो आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर होगी और दूसरी चीज क्या है एंड डिस्करेजेस रिबेलियन डिवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी फिट्स चिल्ड्रन इन टू लेबर्स या फिर प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट एक चीज का ध्यान रखिएगा हाँ ले लूंगी मनीषा जी एक चीज का ध्यान रखिएगा कि चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं बट क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है मुंबई के बारे में हम बता रहे हैं ऊपर डेली के बारे में कोई मतलब नहीं बनेगा ना तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो आपको उसके अनुसार जवाब देना होता है हमेशा आप कह रहे हैं बी ऑप्शन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बिल्कुल सही बात है सोशलाइजेशन क्या है सामाजिकरण एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल क्या होता है मसरूर डेवलप होता है समाज के नियम कायदे तौर तरीके कायदे कानून सब सीखता है हमारी जो संस्कृति चली आ रही है उसको ट्रांसमिट करता है और उसकी पर्सनैलिटी का एक डेवलपमेंट होगा ठीक तो बी ऑप्शन यहां सिंपल और सही आंसर है ठीक ऐसा कुछ नहीं है कि रिबेलियन को डिस्करे डिस्करेज करेगा लेबल करना तो हमारा किसी भी चीज का उद्देश्य नहीं होता पूरी पैटागोजी में कि फर्स्ट आ गया ये बेकार है ये अच्छा है ये स्लो है ये गिफ्टेड है ये लेबलिंग करना हमारा काम नहीं होता ठीक और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना वो जो कॉन्टेक्स्ट है ना जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से फिट नहीं बैठता आपका डी ऑप्शन जरूरी नहीं है हर ऑप्शन में लॉजिक लगे बट ये जरूरी है कि जो क्वेश्चन ने पूछा है उसके साथ हो जाएगा कि नहीं ठीक करा दूंगी जी पैसेज टू स्टूडेंट्स रीड द सेम पैसेज येट कंस्ट्रक्ट एंटायरली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स मीनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दो बच्चे हैं सेम पैसेज को रीड करते हैं जैसे आप भी ना सी राइट में जाकर के पैसेज रीड करते हैं दो लोग हैं सेम पैसेज रीड करते हैं बट दोनों की इंटरप्रिटेशन अलग है दोनों की समझ अलग है उस चीज को जैसे दो लोग सेम गाना सुनते हैं सेम शायरी सुनते हैं सेम कोई एक टेक्स्ट पढ़ते हैं कोई एक पोयम पढ़ते हैं लेकिन उनसे पूछा जाए कि अच्छा आ, आप बताओ इसका मतलब क्या हुआ आपके अनुसार तो आपकी इंटरप्रिटेशन अलग होगी आपका परसेप्शन उसको लेकर के अलग बनेगा रीजन क्या है तो पहला है इट इज नॉट पॉसिबल एंड द स्टूडेंट्स नीड टू री रीड द पैसेज मतलब पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबका सेम आना चाहिए या फिर इट इज पॉसिबल बिकॉज द टीचर हैज नॉट एक्सप्लेन द पैसेज या फिर इट इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल इन वेरीड वेज या फिर इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लर्निंग इज नॉट मीनिंग मेकिंग लर्निंग हमेशा मीनिंग मेकिंग होती है अर्थ निर्माण होता है ये कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है बिल्कुल सही बात है इंडिविजुअल डिफ्रेंसेज है इसका कारण यानी इट इज पॉसिबल ये पॉसिबल है कि दो लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करें सेम चीज को ठीक है तो इट इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन वेरीड वेज अलग अलग जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं आपके अधिगम के तरीके को ये एक सिंपल बात है और कोई भी दो लोग सेम नहीं होते यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का जो इंटरप्ले है एक जटिल अंत क्रिया है वो हमारे अंदर विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं को लाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को तो सी ऑप्शन यहाँ सिंपल है ये पॉसिबल है ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है देखो एमसी क्यू हो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहां पर दो लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो वहां गड़बड़ हो सकती है लेकिन जहां सब्जेक्टिव चीज हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा मतलब नहीं इंटरव्यू नहीं होता डी प्लस पी आर में कृष्णा जी कोई इंटरव्यू नहीं है वो एकमात्र मुझे लगता है एग्जाम है जिसमें आप डायरेक्ट पेपर दीजिए और नौकरी पाइए वो भी दिल्ली में देखिए एक बार अकॉर्डिंग टू दी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टू थाउजेंड फाइव लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर क्या है एनसीएफ टू थाउजेंड की फाइव के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है एक्टिव और सोशल है पैसिव और सिंपल है पैसिव और सोशल है एक्टिव और सिंपल है बताइए एक बार आंसर कीजिए थैंक यू कृति आंसर कीजिए एक बार क्या होगा इसका आंसर भाई एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग एक डॉक्यूमेंट है एनसीएफ जिसको एनसीआर ने बनाया और ये फोर्थ डॉक्यूमेंट है अगर हम बात करें 1975 में आया फिर 1988 एट ईयर टू एंड ईयर 2005 अभी तक हम उसी को फॉलो कर रहे हैं 2005 वाले को ही तो इसके अनुसार जो लर्निंग है अधिगम है वो एक्टिव होना चाहिए और एक सामाजिक गतिविधि है एजुकेशन फॉर लाइफ की बात कर रहे हैं हम जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो भी बात करता है कि भैया आप रियल लाइफ के लिए सिखाइए समाज में कुछ फायदा हो वो चीज आप सीखें तो सक्रिय और सामाजिक है अगर आप लर्निंग के प्रभात अगर आप लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे विशेषताएं देखेंगे तो लर्निंग क्या है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है मतलब जीवन पर्यंत चलेगी लाइफ लॉन्ग है ग्रेजुअल है ऐसा नहीं है एक दिन में आप सब भर लें और फिर आप कहें कि चलो कल पेपर दे के आते हैं ये धीरे धीरे होगी आप छह महीने से पहले से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी केवीएस के लिए ठीक तो ये ग्रेजुअल है और क्या है ये इसका नेचर कैसा है सोशल है है ना समाज से जुड़ा हुआ है और एक्टिव तो होना ही चाहिए पैसिव नहीं होना चाहिए ठीक तो ये एक सिंपल सी बात हुई इसके साथ एक और वर्ड यूज कर लीजिएगा कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है एनसीएफ 2005 और एक्टिव हो लर्निंग इसके साथ क्या हो मीनिंगफुल हो अर्थ निर्माण हो कुछ कुछ मीनिंगफुल आप सीख पाए कुछ लाइफ से जोड़ पाए आप रियल ठीक जहां मीनिंगफुल आ जाए जहां ये एक्टिव आ जाए सोशल आ जाए कोऑपरेशन आ जाए एक दूसरे की कोई और सहायता की बात आ जाए मतलब सिंपल है कि आपके एवज में है आंसर ठीक है आप उस आंसर की तरफ जा सकते हैं जब तक नॉट ना लगा हो अच्छा क्वेश्चन है है हर बार एक, एक नंबर का आता है, naive conceptions कह सकते हैं यानी सहज अवधारणाएं कह सकते हैं गलत अवधारणाएं कह सकते हैं या फिर सूर्य प्रकाश जी इसको और क्या कह सकते हैं इसको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कह सकते हैं अगर आप सिलेबस देखेंगे इसी टेट का तो एक टॉपिक आपको ये लिखा हुआ मिलेगा जिसको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कह देते हैं मिस कॉन्सेप्शन कह देते हैं नाइव कॉन्सेप्शन कह देते हैं ठीक है बात तो इस केस में अगर हम बात करें तो जो नाइव कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्शन बच्चे लेकर के आते हैं कुछ ही सहज ज्ञान हैं जो गलत होते हैं जो कॉन्सेप्ट गलत होते हैं स्पेशली साइंस से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट होते हैं कि बच्चे क्या है कुछ ऐसी चीजें लेकर के आ रहे हैं जो उन्हें मिस कॉन्सेप्शन है लेकिन हम उसको मिसकॉन्सेप्शन ना कह के गलत ज्ञान ना कह के ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन या वैकल्पिक अवधारणाएं कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं लेकिन उसको ठीक कराना हमारा काम है एक तरीके से तो ये जो नाइव कॉन्सेप्शन हैं इनके बारे में जब आपको पता हो कि हाँ इनको भी लेके आएंगे बच्चे कुछ गलत अवधारणाएं भी लाएंगे तो इससे टीचर को किस चीज में मदद मिलेगी पहला ऑप्शन है पुल्स डाउन द टीचर्स मॉरल सिंस इट इनक्रीजेज हिज वर्क काम मिल गया काम और टीचर खुश हो जाएगा ये देख करके या फिर डज नॉट सर्व एनी पर्पज ऑफ द टीचर कोई पर्पज नहीं सर्व होगा इससे देखो हमेशा याद रखना बच्चे के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कुछ ना कुछ पर्पज देगी आपको कुछ ना कुछ मदद देगी अगर आप सच में उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो ठीक है फिर है हेल्प द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली टीचर को मदद करेगी ताकि वो अपने टीचिंग या लेसन प्लान को और बेहतर तरीके से अर्थपूर्ण तरीके से प्लान कर सके या फिर हेम्पर्स द टीचर्स प्लानिंग एंड टीचिंग ऐसा नहीं होता क्लासरूम की कोई भी प्रॉब्लम सीखने का मौका देती है एक टीचर को तो हेम्पर नहीं करेगी ठीक है विक्रम जी अभी कुछ नहीं कह सकते चांसेस तो हैं आंसर होगा हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली शिक्षक को अधिक सार्थक अधिगम प्लान करने में मदद देगी ठीक है मसरूर जी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ले लीजिए और अगर केवीएस की कर रहे हैं तब भी ले लीजिए नुकसान नहीं है क्योंकि अपडेट होने में टाइम लगेगा बुक में अभी मैंने काम भी शुरू नहीं किया है ठीक तो सी होगा इसका सही आंसर हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली अगर आपको पता हो कि बच्चे कुछ गलत अवधारणाएं लेकर के क्लास में आ सकते हैं तो आप क्या करेंगे आप एग्जाम्पल्स अपने अच्छे तैयार करेंगे आप उस तरफ भी ज्यादा ध्यान देंगे कि, कि किसी को कोई मिसकॉन्सेपन तो नहीं है मतलब आप प्लानिंग ज्यादा अच्छी कर सकते हैं मीनिंगफुल प्लानिंग कर सकते हैं तो टीचर के लिए हर चीज काम की है चाहे वो बच्चे की गलतियां करना हो चाहे वो उसकी प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी हो ठीक है तो आपको यूज करना है वो बोलते हैं ना वो सचिन तेंदुलकर का आई थिंक एक लाइन है कि लोगों ने पत्थर फेंके और मैंने उसको वो बना लिया एक जो भी बिल्डिंग या ज, जो भी है मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद तो आपको यूज करना है स्टोन्स को ठीक है एम्पायर बिल्ड करने के लिए क्वेश्चन नंबर सेवन है इसी से रिलेटेड देखिए एक बार ध्यान से नाइव थियोरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिन इस बार आया हुआ क्वेश्चन है ये मतलब जो बच्चे नाइव थियोरीज बना लेते हैं ऐसी सहज ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं सहज इंफॉर्मेशन क्या कहेंगे सूचनाएं इकट्ठा कर लेते हैं सहजानुभूत सिद्धांत जो वो अपने बना करके आते हैं इनके बारे में आपका क्या ख्याल है या इनको आप क्या करेंगे इनके साथ बताइए एक बार पहला ऑप्शन है शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रेपिटेटिव मेमोराइजेशन मतलब बार बार याद करने के द्वारा इनको बदल देना चाहिए बार बार याद करा दो सही चीज गलत भूल जाएंगे या फिर शुड बी चैलेंज बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स मतलब कि प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करके इन सिद्धांतों को बदला जा सकता है या फिर सी ऑप्शन शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर मतलब टीचर के द्वारा बिल्कुल इग्नोर कर देंगे आप इन पे कोई ध्यान नहीं देंगे या फिर डी ऑप्शन शुड बी पनिश्ड बाय द टीचर पनिशमेंट जो है वो आपके हाथ की बात रही नहीं है तो भूल के भी सोचिएगा मत ठीक शुड बी आर जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट वो बैन करता है ठीक है वो कॉरपोरल पनिशमेंट के खिलाफ है एनसीएफ पे वीडियो बनाया हुआ है सर्च करके एक बार देखिए है ना रिवीजन में मैं फिर से बता दूंगी शुड बी इग्नोर बाय द टीचर इग्नोर करेंगे तो ठीक कैसे होगा ठीक तो बात क्या होनी चाहिए सिर्फ याद करा के रट्टा लगवा करके कुछ भी चेंज कराने का अर्थ नहीं होता क्या करेंगे आप इंटरेक्शन करेंगे डिस्कशन करेंगे क्लास में शुड बी चैलेंज बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जांपल्स आप कुछ साइंटिफिक डेटा बच्चे को दिखा सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं कोई कोई एक डिस्कशन रख सकते हैं कि ये नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे होता है उसका एक्सप्लेनेशन देंगे ऐसे नहीं कि बस मान लो ठीक तो आप क्या करेंगे बी ऑप्शन को सही मानेंगे आप चैलेंज करेंगे डिस्कशंस कराएंगे क्लास में पहले तो एक्सेप्ट करेंगे कि ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन बच्चे लेकर के आ सकते हैं ये एक नॉर्मल बात है बट आपको एक्सप्लेन कराना है या तो डिस्कशन कराना है या सही जो एक एविडेंस है या अगर कोई प्रमाण है कोई है, कोई थीसिस है बुक में कुछ है तो वो दिखा सकते हो एग्जाम्पल के रूप में जिससे उनकी जो ये थॉट प्रोसेस है वो क्लियर हो सके फॉर एग्जाम्पल एक नाइव कॉन्सेप्शन क्या हो सकता है भाई हम जब बचपन में छोटे थे तो हमें लगता था जब ट्रेन चल रही है तो पेड़ भी चल रहे हैं साथ में जबकि ऐसा तो है नहीं तो ये क्या हुआ साइंस का कॉन्सेप्ट हुआ अब हमें ये ठीक कराया जाएगा तो स्कूल इस में इसका सही एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा ठीक तो ये ठीक हो जाएगा तो नाइव कॉन्सेप्शन बच्चे का एक दूसरा वैकल्पिक धारणा बना लेता है बच्चा या तो किसी से सुन के या फिर कुछ भी है ना स्टार्स की अपनी लाइट नहीं होती बट हम मानते हैं कि वो चमकते हैं तो इस तरीके की चीजें क्या है ये नाइव कॉन्सेप्शन है ठीक है श्रेय घोष आगे बढ़े मीनिंगफुल लर्निंग इज मीनिंगफुल लर्निंग बहुत फेवरेट है सीटेट पेपर उठा लीजिए आप ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा जहां घुमा फिरा के मीनिंगफुल लर्निंग कंस्ट्रक्टिविज्म अर्थ निर्माण जिसको हम कह रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम कह रहे हैं एक्टिविटी करके सीखना हम कह रहे हैं ठीक तो अर्थपूर्ण अधिगम या सार्थक अधिगम की बात करें अगर तो कौन सी बात सही है पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन दी स्ट्यूमलेस एंड रेस्पॉन्स देखो स्ट्रीमलेस एंड रिस्पॉन्स मतलब उद्दीपक और प्रतिक्रिया को हम जोड़ते हैं बिहेवियरिज्म में और पूरा पेपर बिहेवियरिज्म के खिलाफ है ठीक है दूसरा है इमिटेशन ऑफ अडल्ट एंड मोर एबल पीयर्स नकल करना नकल करके अर्थपूर्ण निर्माण हुआ है क्या आज तक नहीं फिर है पैसिव रिसीविंग ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन जस्ट रिसीव कर लेना पैसिव होकर के रोबोट बन करके यानी रोट लर्निंग हो गई रट्टाफिकेशन फिर है एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसेस मजा आ गया देख लो बात हुई थी ना हमारी मेरी और आपकी अभी कि मीनिंगफुल लर्निंग जहां होगी यानी एक्टिविटी करके सीखना बच्चा कुछ एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा ठीक है कुछ एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा सिंपल है बात अर्थपूर्ण निर्माण कर रहा होगा और हमारा फोकस यही है कि बच्चा जो सीखे वो मीनिंगफुल हो उसका कुछ अर्थ हो तो एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी उसने अनुभव लिया है बच्चा अनुभव करके सीखे एक्टिविटी करके सीखे कुछ कुछ भी एक्सप्लोर करके सीखे एक्सपीरियंस करके सीखे ठीक तो एक्टिव क्रिएशन जब बच्चा करेगा जब आप खुद सीखते हैं कुछ करके सीखते हैं तो वो चीज सार्थक होती है वो मीनिंगफुल होती है वो लाइफ लॉन्ग आपके दिमाग में रहती है तो डी ऑप्शन और यही हमारा मेन मुद्दा है सिर्फ एसोसिएट करके रट्टा नहीं लगवाना इमिटेशन कराना या फिर पैसिव बना देना बच्चे को ये काम नहीं है बच्चा क्या है एक्टिव है और एनसीएफ कहता है कि टीचर क्या है फैसिलिटेटर है कोई भरने वाला नहीं है बच्चे के दिमाग में कुछ वो जस्ट फैसिलिटेट करेगा लर्निंग को ठीक मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्वेश्चन नंबर नाइन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दी प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर फॉर इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग मतलब इनमें से कौन सा एक टास्क जो है वो प्राइमरी टास्क नहीं है एक अच्छे लर्निंग एनवायरमेंट के लिए या अच्छी लर्निंग के लिए मुख्य टास्क किसको आप नहीं कहेंगे मतलब कौन सा एक सूटेबल नहीं है अगर आप अच्छा अधिगम चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से सीखें बताइए एक बार करा देंगे अनुराधा एग्जाम से पहले एमपी टेट स्पेशल करा देंगे अभी सी से निपट लें थोड़ा फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू दी स्टूडेंट्स इन अ डिडेक्टिक मैनर यानी निगमनात्मक तरीके से सूचनाएं प्रदान करना या फिर बी ऑप्शन नोइंग द कॉन्सेप्ट्स दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द क्लास उन कॉन्सेप्ट्स को जानना जो बच्चे क्लासरूम में लेकर के आते हैं रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड टू हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग मतलब बच्चे जो हैं वो हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग या हॉट्स जो होते हैं ना हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो ये तो हमारी हमारा एक तरीके से उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे का जो दिमाग है वो अच्छे लेवल पे फंक्शन करना शुरू करे टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर एंड इंप्रूव देयर ओन लर्निंग बाय एफर्ट आंसर कीजिए देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन ने पूछा था कौन सा एक प्राइमरी टास्क नहीं है इफेक्टिव लर्निंग के लिए इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग क्या होता है शिल्पा यादव इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग वो होता है जहां आप बहुत अच्छे से सिखा रहे हो बच्चे अच्छे से सीख रहे हो मीनिंगफुल लर्निंग हो रही हो अर्थपूर्ण अधिगम रियल लाइफ से जोड़ करके एक्सपीरियंस करके एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता हो बच्चा जो बात प्याजे भी कहते हैं तो सही कौन सी बात नहीं है नॉट लिखा है नॉट लीस्ट एक्सेप्ट कान खड़े और तब आंसर करेंगे ध्यान से ठीक तो नॉट का मतलब है कौन सी एक बात सही नहीं है ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू दी स्टूडेंट इन अ डिडेक्टिव मैनर बहुत बड़े आंसर कर रहे हैं कंफ्यूजन कोई नहीं होगी मिनी मोनी अभी डिस्कस करेंगे देखो अगर हम बात करें तो कभी भी हमारा मेन मकसद ये नहीं होता कि उगल दो इंफॉर्मेशन और भर दो बच्चे में ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन मतलब आपने ट्रांसमिट कर दी है ना जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना आपने वो जो दवा थी उसमें वो भर दी बच्चे में वो काम नहीं है आपका एज अ टीचर ठीक तो डिडेक्टिक मैनर और डिडेक्टिक मैनर आपको पता ही है क्या होगा पहले आप रूल बता दें बच्चा मतलब डेफिनेशन डेफिनेशन को रट लिया फिर उसके बाद एग्जाम्पल बता दिए कहानी खत्म बच्चे ने एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नहीं की ना इसमें चीजें तो प्रॉब्लम कहाँ है देखो बच्चों के कॉन्सेप्ट को जानना अच्छी बात है उनकी हायर ऑर्डर थिंकिंग को डेवलप करना अच्छी बात है बच्चे अपनी लर्निंग को मॉनिटर कर सके यानी वो सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं आत्मनिर्भर बन रहे हैं सीख पा रहे हैं कुछ खुद से तो ये तीनों बातें ठीक हैं बट सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रोट मेमोराइजेशन के थ्रू या सिर्फ डिडेक्टिव मैनर में डेफिनेशन बताई और याद कर लिया एग्जाम्पल वो हमारा मकसद नहीं होता पहली बात तो छोटे बच्चों के लिए हम इंडक्टिव मैथड का यूज करते हैं थोड़े से बड़े लेवल पर या मैथ्स और ग्रामर में डिडक्टिव यानी निगमनात्मक विधि का भी यूज कर लिया जाता है और दोनों को साथ में भी यूज कर सकते हैं ठीक लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन को डिडक्टिव तरीके से भर देना ये हमारा उद्देश्य नहीं है अब इंडक्टिव डिडक्टिव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इंडक्टिव आप जानते हैं आगमन और डिडक्टिव आप जानते हैं निगम ठीक छोटी क्लास में आप इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं यानी आगमन विधि का आगमन में क्या होगा पहले आप एग्जाम्पल देते हैं भाई इतने सारे आपने एग्जाम्पल दे दिए दे, देखो ये हैन है ये चिकन है ये मैन है ये वुमेन है ये टाइग्रस है ये फलाना है ढिमकाना है ठीक ये ताजमहल है ये पेठे की मिठाई है है ना तो ये आगरा है ठीक तो क्या है ये फिर आपने बाद में बताया ये जो मैंने तुम्हें नाम बताए हैं ताजमहल आगरा पुष्पा चमेली जो जो भी नाम बताया है तेनाली राम ठीक ये सब क्या है इनको नाउन कहते हैं ठीक बाद में डेफिनेशन दी एग्जाम्पल के बाद एग्जाम्पल के बाद जब आप डेफिनेशन दे रहे हैं दैट मीन्स आप इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन जब आपने पहले डेफिनेशन पकड़ा दी कि नाउन क्या है अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन प्लेस और थिंग नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन या इज नोन एज नाउन और उसके बाद आप एग्जाम्पल दे रहे हैं नाउन का तो ये डिडक्टिव है पहले आप मैथ्स में फॉर्मुला बता देते हैं फिर उसके बाद आप एग्जांपल्स या उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा देते हैं दैट मींस डिडक्टिव मेथड को फॉलो कर रहे हैं इंडक्टिव में पहले नोन टू अनोन जाया जाता है वो चीजें जो बच्चा जानता है इन सबको वो जानता होगा उसके बाद आपने उसे डेफिनेशन बताई कि ये सारी चीजें नाउन या संज्ञा कहलाती है क्योंकि ये किसी वस्तु स्थान या व्यक्ति का नाम है तो जब आप बाद में डेफिनेशन बताते हैं अब थोड़ा सा याद रखिएगा इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है नोन टू अनोन कहेंगे इसको नोन टू अनोन क्यों क्योंकि वो एग्जाम्पल जो बच्चा जानता है उससे आप रूल की तरफ जा रहे हैं यानी स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं स्पेसिफिक होता है एग्जाम्पल हमेशा और रूल हमेशा जनरल होता है यानी कि सामान्य होगा क्लियर हो गई बात और ये जो आपका डिडक्टिव है ये जनरल टू स्पेसिफिक है जनरल टू स्पेसिफिक है रूल हमेशा सामान्य होगा सभी के लिए एक जैसा होगा एग्जाम्पल डिफरेंट हो सकता है ठीक तो यहां पे आप जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं सामान्य से विशिष्ट जाते हैं ठीक ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट यानी कि विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सी एक बात गलत है बहुत बढ़िया पूजा चंद्रा जी बताइए कौन सी बात गलत है विकास के सिद्धांतों के बारे में एक क्वेश्चन विकास के सिद्धांत पर मिनिमम आता है दो से तीन क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं सिंपल बात बताइए एक बार थैंक यू कायरा इतना खतरनाक नाम बहरा जी आंसर कीजिए फटाफट से क्वेश्चन को यार रखा है नाम में शेक्सपियर ने कहा कमेंट पढ़ लिया समीर आपका आंसर कर दीजिए थोड़ा इनकरेक्ट कौन सी बात गलत है डेवलपमेंट के सिद्धांत विकास के प्रिंसिपल्स के बारे में ये मैं इस बार भी करा चुकी हूँ उसको नए तरीके से भी स्मार्ट बोर्ड पे भी ना देखा हो सेशन देख लीजिएगा है ना वो इतने सारे सिद्धांत नहीं है डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल्स हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी स्पाइरल वर्सेस लीनियर इसके अलावा जो आपका पूरा कितने सारे तो सिद्धांत हैं आपके डायरेक्शन का प्रिंसिपल है जिसमें सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सीमोडिस्टल है बताइए एक बार आंसर कीजिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया डी 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 जितने भी लोग डी दे रहे हैं वो सही है क्यों सही है देखते हैं एक बार पहले तीन ऑप्शंस को देखेंगे डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग बिल्कुल सही बात है अगर आप मैच्योर नहीं है किसी चीज के लिए तो क्या होगा नहीं सीख पाएंगे और बायोस कहते हैं कि लर्निंग से डेवलपमेंट होता है है ना मतलब अगर कुछ सीख रहे हैं आप तो आपका डेवलपमेंट भी हो रहा है तो दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं तो यह बात तो ठीक है डेवलपमेंट के बारे में डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू तो आर कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बिल्कुल सच्ची बात है डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट फिर है एवरी चाइल्ड गोस थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ट देर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेज अमॉंग चिल्ड्रन हर बच्चा स्टेजेस के थ्रू जाता है पहले इन्फेंसी आएगा फिर अर्ली चाइल्डहुड है फिर लेटर चाइल्डहुड है फिर एडोलिसेंस है फिर एडल्टुड है फिर ओल्ड एज है मतलब स्टेजेस को तो आप स्किप नहीं कर सकते हर एक बच्चा जाएगा लेकिन फिर भी कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं हो सकता है एक बच्चा नौ महीने में खड़ा होना चलना शुरू कर दे दूसरे को टाइम लग जाए तो ये बात भी सही है बस एक बात गलत है कि डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली प्रिसाइजली का मतलब है आप बिल्कुल सटीक तरीके से डेवलपमेंट को माप सकते हो पॉसिबल नहीं है कुछ एस्पेक्ट आप माप सकते हो जो ग्रोथ से रिलेटेड होंगे डेवलपमेंट क्या है क्वालिटेटिव ज्यादा है बोथ भी आप कह सकते हो लेकिन सिर्फ क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक नहीं कह सकते गुणात्मक भी है ठीक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस दोनों आते हैं इसमें संरचनात्मक व प्रकार्यात्मक परिवर्तन दोनों आएंगे ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन है विच टर्म इज करंटली मोर कॉमन इन यूज अबाउट दी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को आजकल किस टर्म से बुलाया जाता है या किस टर्म को कॉमनली उनके लिए यूज किया जाता है बताइए एक बार वाइगॉस्की स्टेजेस में विश्वास नहीं रखते वाइगॉस्की ने डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में बात नहीं किया उन्होंने एज को इंपॉर्टेंस नहीं दी है ठीक है दिया सिंह बघेल धन्यवाद आंसर कीजिए बहुत बढ़िया के का पेपर दे सकते हैं अगर किसी कैंडिडेट का सीटेट क्लियर ना हो तो जस्ट फॉर एक्सपीरियंस मुझे इसकी पूरी डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी रुचि शर्मा पूछ रही है सुपर चैट करके धन्यवाद जी अगर मैं बात करूँ के के पेपर की तो दे तो सकते हैं बट वो फिर लीगल नहीं है मतलब अगर देखा जाए तो तो देने को तो कुछ भी कर सकता है मतलब इंसान वो तो आपको फॉर्म ही तो फिल करना है तो वो आपका पर्सनल कॉल है मैं ऐसे कुछ रिकमेंड नहीं करूंगी बट हाँ पॉसिबल है देखिए एक बार विच टर्म इज करंटली मोर कॉमन इन यूज अबाउट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए कौन सी एक टर्म जो है वो कॉमन है क्या कहोगे डिफरेंशियल नीड्स डिसेबल्ड कहोगे डिफरेंटली एबल्ड कहोगे या एक्सेप्शनल कहोगे एक्सेप्शनल कहते हैं हम उन बच्चों को जो प्रतिभाशाली हैं ज्यादातर केसेस में या एक्सेप्शनल हैं किसी भी नॉर्मल से अलग हैं बताइए एक बार स्नेहा कोई बात नहीं डिसेबल्ड नहीं कहते माधवी यही तो गड़बड़ है ना कि हमारा समाज कह रहा है कि वो विकलांग हैं कुछ कर नहीं सकते लेकिन हम इनको आजकल एक नए टर्म का यूज करते हैं डिफरेंटली एबल्ड भाई वो अलग तरीके से एबल्ड हैं जरूरी नहीं है कि बस चलने में प्रॉब्लम है तो वो डिसेबल्ड हो गए बाकी चीजें तो काम कर रहे हैं ना अगर एक फील्ड में प्रॉब्लम है तो बाकी पचास चीजें तो वो कर सकते हैं ना तो वो डिफरेंटली एबल्ड है वो चीजें कर सकते हैं बट अलग तरीके से ठीक तो इनको डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं हम ठीक इनको हम डिसबल नहीं कहते सिंपल बात सी ऑप्शन आगे बढ़ेंगे आरटीई एक्ट कौन सा चल रहा है सॉरी आरटीई नहीं पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आजकल हो गया है वो कब रिवाइज हुआ था थोड़ा सा रिवीजन हो जाए आपका फटाफट से बताओ पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया था ये बताओ आशु मिश्रा जी धन्यवाद क्या मतलब आज तो आप लोगों ने झड़ी लगाई हुई है ऐसे मतलब सुपर चैट सुपर चैट में देख देख के जो है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे पैसे कैलकुलेट करना शुरू करूँ क्या मजाक कर रही हूँ जल्दी बताओ एक बार हाँ पहली क्लास ली धन्यवाद श्रद्धा दिव्यांग हाँ दिव्यांग को जोड़ सकते हैं से दिव्यांग बोलते हैं बिल्कुल जोड़ सकते हैं निःशक्त नहीं बोलेंगे वो हिंदी में ना इसको दिव्यांग ही लिखिएगा ठीक है 2016 में रिवाइज हुआ और उन्नीस में ये पहले आया था जिसमें सिर्फ सात डिसेबिलिटीज थी और अभी जो है आरपीडब्ल्यू डी एक्ट दो वाला चल रहा है जिसमें कुछ 21 वन डिसबिलिटीज है किस को जोड़ा गया है इसको राइट ऑफ पर्सन विद डिबिलिटीज एक्ट कहेंगे 40 प्रतिशत से ज्यादा डिसेबिलिटी होने पर आपको ए, कुछ रिजर्वेशन मिलेंगे चाहे वो जॉब्स में हो या बाकी जगह हो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर 15 क्वेश्चंस करेंगे जस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन सामाजिकरण और विद्यालय के बारे में कौन सी एक बात सही है चार ऑप्शन है बताइए एक बार बहुत बढ़िया मोहम्मद शारिक आंसर कीजिए फोर्टी परसेंट फोर्टी टू नहीं है एग्जाम का अभी किसी को नहीं पता सूर्य बढ़िया उजमा उजमा फातिमा नाम ले उत हजार लोग हम लोग जुड़े हुए हैं और सिर्फ साढ़े चार हजार महान लोग हैं जिन्होंने लाइक किया है मतलब सेशन पसंद नहीं आ रहा क्या या जस्ट देखने आए हो है लाइक भी करके जाना होता है बताओ एक बार स्कूल एंड सोशलाइजेशन के बारे में कौन सी एक बात सही है ट्वेल्थ का ए स्कूल इज एन इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल स्कूल अगर कोई रोल नहीं प्ले करता तो बच्चे क्यों जाते वहां स्कूल प्लेज वेरी लिटल रोल ये भी कहना गलत होगा सोशलाइजेशन तो बहुत बहुत ही बड़ा फैक्टर है स्कूल का क्योंकि बच्चा चार बच्चों के साथ कोऑपरेशन सीखता है वहां जाकर के तौर तो तरीके सीखता है एक दूसरे को मदद करना सीखता है थोड़ी बहुत लड़ाइयां करता है बहुत सारी एक्टिविटीज करेगा स्कूल इज दी फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन प्राइमरी कभी नहीं हो सकता कल डिस्कस किया था प्राइमरी स्कूल कभी भी प्राइमरी नहीं होगा फैमिली कभी भी सेकेंडरी नहीं होगी फैमिली है जो प्राइमरी होगी स्कूल सेकेंडरी है लेकिन इंपॉर्टेंट है ठीक तो स्कूल इज एन इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन स्कूल क्या है एक महत्वपूर्ण क्या है कारक है या एक एजेंट है सोशलाइजेशन का जहां से बच्चे समाज के क्योंकि स्कूल में क्या है समाज से ही लोग आ रहे हैं ना बच्चे हैं टीचर्स हैं एक डेकोरम है कुछ रूल्स हैं कुछ नॉर्म्स हैं कुछ वैल्यूज हैं सब कुछ सीख रहे हैं आप ठीक कोऑपरेशन सीख रहे हैं टॉलरेंस सीख रहे हैं कितनी सारी चीजें आप सीख रहे हैं अब प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्राइमरी मतलब प्राथमिक सामाजिकरण इसमें परिवार आपका आता है फैमिली और आसपास के लोग भी हो सकते हैं और सेकेंडरी में आपका स्कूल आएगा इतना भी याद रख लोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा एक नंबर मिल जाएगा आपको है ना सफल तो क्या ही होगा बट एटलीस्ट जिस पर्पज के लिए हम जुड़े हुए हैं वो, वो सफल हो जाएगा ठीक तो परिवार प्राथमिक होता है क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार में जन्म लेगा और परिवार क्या है मिनिएचर वर्जन है सोसाइटी का मिनिएचर मतलब छोटा रूप अगर ये सोसाइटी है तो परिवार भी ऐसा सा ही एक छोटा सा रूप है जहां कुछ नियम कायदे तौर तरीके कानून है नमस्ते करना सिखाया जाता है आपको या जो भी एक ग्रीटिंग है है ना बड़ों का आदर या वॉट इट इज ठीक है सच बोलना सिखा सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं कोऑपरेशन सिखाया जाता है कि एक दूसरे की मदद की जाए 13, से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो सही है के विकास के के अनुसार. पहला ऑप्शन है प्याजे आर्ग्यूज दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस इज कॉग्नेटिव डिवेलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस मतलब प्याजे का तर्क है कि जो विकास है वो चरणों में ना होकर के सतत प्रक्रिया है खेल गए आप अगर आपने प्याजे याद किया है अरे बहुत बढ़िया प्रिया कोहली कैसे करके मानोगे आज आप लोग नहीं नहीं ऐसे नहीं भूलोगे अकील रिवाइज करते रहो हाँ आंसर कीजिए फटाफट से बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्याजे कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में ना होकर कॉन्टिन्यूस होगा देखो कितनी खुशी से आंसर कर रहे हो ए ऑप्शन मतलब बिल्कुल नाक कटवा के आओगे पेपर में मैंने बताया था उस दिन भी ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता प्याजे के अकॉर्डिंग स्टेजेस में होता है है ना बाइक के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस है वो एजेस की बात नहीं करते स्टेजेस की बात नहीं करते प्याजे हैज प्रपोज फाइव नहीं फोर स्टेजेस हैं दी स्टेजेस आर इन इनवेरियंट विच मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड बात जो है वो ठीक है जो स्टेजेस हैं वो इनवेरियंट है उनको चेंज नहीं किया जा सकता स्टेजेस अगर सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से दो वर्ष है तो वही रहेगी पूरी दुनिया का बच्चा कोई भी हो चाहे यूएस का हो प्रेसिडेंट का बच्चा हो चाहे एक बिल्कुल गरीब आदमी का बच्चा हो क्या होगा सेंसरी मोटर स्टेज जो है संवेदी गामक वो जन्म से दो वर्ष ही रहेगी ढाई नहीं हो जाएगी ठीक जो चार स्टेजेस हैं वो सभी के लिए सेम है ठीक तो और किसी भी स्टेज को स्किप नहीं किया जा सकता ऐसा नहीं हो सकता सेंसरी मोटर के बाद सीधा आप फॉर्मल ऑपरेशनल पे पहुंच जाएं या कंक्रीट ऑपरेशनल पे पहुंच जाएं आपको प्री ऑपरेशनल पे जाना पड़ेगा ठीक है बात दीपक राज बिल्कुल सही आंसर द द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चर नहीं अब ये बात जानने की है प्याजी और बाइगॉस्की के बारे में बाइगॉस्की कहेंगे कल्चर का प्रभाव पड़ेगा कल्चर टू कल्चर वेरी कर सकता है विकास लेकिन प्याजे कहेंगे कल्चर का प्रभाव नहीं पड़ेगा यूनिवर्सल स्टेजेस हैं और स्टेजेस को आप ना स्किप कर सकते हैं ना बदल सकते हैं कोई भी व्यक्ति जो स्टेजेस देता है वो सारी दुनिया के लिए एक ही जैसी होती है वो बदलती नहीं है चाहे वो कोहलबर्ग हो चाहे ये हो ठीक है बात तो सी ऑप्शन है जो कि सही है ये प्रिया कोहली की तो मुझे हो गई है प्रिया कोहली हाँ डीपी ही याद हो गई है इनका और इनके हस्बैंड का आई थिंक फोटो लगा हुआ है इतनी छोटी सी डीपी दिखती है फिर भी इमेज बन जाती है दिमाग में क्वेश्चन नंबर है दी कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज बाय जीन प्याजे मीन्स दैट यानी हम कंजर्वेशन कंजर्वेशन करते रहते हैं डेली एक ना एक बार कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है संरक्षण की अवधारणा जो है प्याजे के बारे में उसका मतलब क्या है बताइए एक बार फटाफट से बताइए बताइए एक बार नहीं कंप्यूटर टीचर को नहीं है जरूरत सीट एट देने की आंसर कीजिए बट दे लेना आजकल अगर बी की हो तो दे लेना नहीं तो कोई बात नहीं क्योंकि केवीएस में भी अप्लाई कर पाओगे ना फिर देखो एक बार दी पीआरटी में सब अप्लाई कर सकते हैं ना ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज बाय जीन प्याजी मीन्स दैट बी ना की हो तो फिर तो रहने देना बहुत बढ़िया पारुल जी हाँ सात लाइक होने चाहिए यार है ना ऐसे साढ़े लोग अभी भी देख रहे हैं और छह लाइक है ठीक है लाइक करो और आंसर भी दो साथ में द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज बाय जीन प्याजे इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट जी ये वो वाला कंजर्वेशन नहीं है कि वाइल्ड लाइफ को बचा ले जाकर के सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन वेन आउटवर्ड अपियरेंसेज चेंज मतलब कुछ भौतिक गुण जो है सेम रहते हैं चाहे आप बाहरी दिखाव जो बनावट है दिखावा नहीं कहेंगे बनावट है उसमें बदलाव होने के बावजूद भी ठीक है बार होगा माला इस बार होगा टेंशन ना लो फिर है सी ऑप्शन वन कैन अराइव एट द करेक्ट कॉन्क्लूजन बाय सिस्टमैटिकली टेस्टिंग हाइपोथिस या फिर टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स इन टू कंसिडरेशन इज एन इंपॉर्टेंट कॉग्नेटिव एबिलिटी दूसरों का पर्सपेक्टिव जो है बच्चा ले पाएगा ये तो प्री ऑपरेशनल में आ, नहीं प्री ऑपरेशनल के खत्म होते होते आ जाएगा लेकिन उसको कंजर्वेशन नहीं कहते वो ईगोसेंट्रिसम का जाना कहते हैं उसको हम ठीक है थैंक यू काजल पांडे आंसर कीजिए नहीं जरूरी नहीं है बट नौकरी लेने के लिए जरूरी है <laughs> अगर आपको सरकारी करनी है तो अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है आंसर कीजिए फटाफट फिड़ से बी ऑप्शन ठीक है गौरव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन वेन आउटवर्ड अपियरेंसेज चेंज रोज में एक बार एग्जाम्पल लेती हूँ अभी भी आप कह रहे हैं कंजर्वेशन समझा दीजिए मेरे घर के सारे बर्तन आप लोग देख के ही मानोगे हैं तो ये कंजर्वेशन है ये एक लीटर की बॉटल है और ये पता नहीं कुछ सौ दो सौ एम का कोई डीओ होगा अगर ये दो सौ और इसमें भी दो सौ ही होता तो चाहे मैं इसमें दो सौ इसका दो सौ उठा के इसमें डाल दूं अगर बच्चा ये ना समझ पाए कि दोनों में बराबर है उसको लगे ये लंबी बॉटल है तो इसमें ज्यादा होगा दैट मीन्स कंजर्वेशन नहीं आया ठीक और अगर क्या अगर उसको पता हो गया 200 ml ही है इसमें भी क्वांटिटी तो सेम ही है इसमें से भर के डाला है तो सेम ही था चाहे लंबे बर्तन में डाल दो चाहे छोटे में डाल दो दैट मीन्स शेप और साइज चेंज होने पे, शेप और साइज चेंज होने पर क्वांटिटी सेम रहती है तो जो कुछ फीचर्स हैं, वो बदलते नहीं है ठीक है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपियरेंस जो बाहरी ढांचा है जो बाहरी आ, क्या कहें उसको आकृति है उसके बदलने पर भी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है मतलब साइज और शेप के चेंज होने पर वॉल्यूम सेम रहता है ठीक वो जो मैंने ग्लासेस वाला पिक्चर भी दिखाया होगा आपको पहले आज नहीं इंक्लूड किया है मैंने वो जो दो ट्यूब्स में लंबे वाली ट्यूब्स में डाला और एक छोटे बर्तन में है तो बच्चे को लगेगा जो लंबा है उसमें ज्यादा है ठीक इसको फिर और किसी और दिन में आपको दूसरी पिक्चर से दिखाऊंगी वैसे समझ गए हो ठीक है बात थैंक यू आस्था आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की वाइगॉस्की के अनुसार अच्छा क्वेश्चन है आंसर कीजिएगा के अनुसार ये तो इवन ऐसे क्वेश्चन हैं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इनको देखिए आप uh, मातृभाषा हिंदी उदय सर की तबियत ढीली है थोड़ी सी तो मंडे करा देंगे उनकी क्लास कोई दिक्कत नहीं है खुशबू कोई बात नहीं स्नेहा जी इस बार अच्छे से कीजिएगा आंसर कीजिए फटाफट से एग्जैक्टली exactly पूजा अजय सिंह सही बोल रहे हो आप लेव वायगॉस्की के अकॉर्डिंग इंटरेक्शन विद अडल्ट एंड पियर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट डज नॉट फिर है लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट या फिर कल्चर प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट जो संस्कृति है वो बहुत छोटा सा रोल प्ले करती है किसमें भाषा के विकास में या फिर चिल्ड्रन लर्न लें लैंग्वेज थ्रू आ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये तो नॉम चोम की कहते हैं एल की बात तो है ना वाइगॉस की थोड़ी कहते हैं तो ये तो हट गया फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं धन्यवाद आनंद जी ंकज नोटियाल बहुत बढ़िया जी बताइए एक बार सी ऑप्शन है कल्चर प्लेज अ वेरी स्मॉल स्मॉल रोल देखो जिस व्यक्ति की थियोरी का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है सोशियो कल्चरल अप्रोच है तो वो व्यक्ति क्या समाज और संस्कृति को इंपॉर्टेंस कम देगा जिसने अपनी थियोरी का नाम ही ये रख दिया हो सिंपल है सोशियो कल्चरल अप्रोच मतलब समाज संस्कृति और भाषा इन तीन चीजों को उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है वाइगॉस्की ने ठीक है बात तो ये तो गलत हो गया अडल्ट और पीएर्स का इंटरेक्शन बड़ा रोल प्ले करता है डज नॉट नहीं आएगा ठीक है जब भी तो समाज और संस्कृति से आप सीख रहे हैं समाज संस्कृति में बर्तन थोड़ी होंगे लोग होंगे जिनसे आप सीख रहे हो फिर है बी ऑप्शन लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट जो भाषा का विकास है वो व्यक्ति के विचार को प्रभावित करता है ये बात बिल्कुल सही है है ना आज कोई पूछ भी रहा था अगर मैं बात करूं वाइगोस्की की तो वाइगोस्की कहते हैं भाई जन्म से आई थिंक तीन साल तक लगभग जो विचार और भाषा है लैंग्वेज और थॉट है वो अलग रहते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं पैरल होते हैं यानी समानांतर होते हैं उसके बाद वो मर्ज होते हैं एक टाइम पर जाकर के तीन साल के बाद या फिर कह सकते हैं कि जो भाषा है उसका विचार पर प्रभाव पड़ेगा प्याजे क्या कहते हैं प्याजे कहते, कहते हैं विचार से भाषा आती है विचार पहले आएगा भाषा बाद में ये कहते हैं दोनों साथ साथ चलते हैं फिर एक टाइम पे जाके मर्ज हो जाते हैं भाषा का विचार पर प्रभाव पड़ता है ये कहते हैं वाइगॉस ठीक है बात पियाजे ईगो सेंट्रिक स्पीच को इंपॉर्टेंस नहीं देते या कहें तो लैंग्वेज को उन्होंने बहुत कम इंपॉर्टेंस दिया कॉग्नेटिव डेवलपमेंट में जिस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज थे उसका आंसर लैंग्वेज ही था जो मैंने उस दिन पियाजे वाइगॉस की कोहलबक की थियरी में कराया था वो सोशल एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को भी गलत थी इतने सालों तक क्योंकि मैंने भी मतलब मैं लगी रहती हूँ मेरा ये नहीं है कि ठीक है एक बार देख लिया बस हो गया मुझे हर बार अपडेट करना होता है जब भी मैं सीख रही होती हूँ पचास जगह से सीखती हूँ और ठीक तो आंसर क्या होगा बी ऑप्शन तो अगर मेरे वीडियो में भी देखाओ उसको तो गलत ही मानिएगा ठीक है आउट ऑफ फिफ्टीन क्वेश्चन आपने कितने ठीक किए कितने तीर मारे ये आप कमेंट करके बताएंगे या यहां चैट में भी बता सकते हैं